लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हम लोग थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। जैसे थर्ड जनरेशन, इसका टाइमिंग है 1965 से 1973 के बीच। जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं कि जैसे ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो सेमीकंडक्टिंग डिवाइस का डेवलपमेंट होने लगा। 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन हुआ जो कि जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया। इसके लिए उसको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था इन 2000। बहुत दिन बाद मिला क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका रिकॉग्निशन बहुत लेट से हुआ था। 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस जो बैकग्राउंड दिए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, तो वो उसको यूज करके कंप्यूटर्स अभी बहुत छोटा हो गया, तो कंप्यूटर्स को मिनी बनाने के लिए, मिनियचराइजेशन करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। नेक्स्ट 1964 में डॉगलस एंजेलबर्ट शोज ए प्रोटोटाइप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स विथ ए माउस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 1964 में सबसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि हम लोग अभी कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, बहुत सारा अभी जो कंप्यूटर्स है उसमें बहुत सारा ग्राफिक्स रहता है, पिक्चर्स रहता है, आइकन्स रहता है, तो ये 1964 में पहला आया था, डिजाइन हुआ था। और माउस भी उसी समय आया था क्योंकि माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइस है। इस तरह से एक नया एवोल्यूशन थर्ड जनरेशन हुआ जिसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ और ये बहुत ज्यादातर पब्लिक के पास पहुंचा क्योंकि पहले का कंप्यूटर्स में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करता था, उतना इंटरेक्टिव हुआ नहीं करता था। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया तो ज्यादा से ज्यादा आदमी इसको खरीदने लगा और इसी तरह से जनरल पब्लिक के पास ये एक्सेस हो गया। ये आईसी चिप्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स अलग अलग तरह का। डेवलपमेंट ऑफ आईसी चिप्स जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें 1000 डिवाइसेस ऑन ए चिप, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 1971 में डेवलप हुआ था, 100 to 3000 डिवाइसेस ऑन ए चिप, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1971-1977, ये 3000 to 1000 डिवाइसेस ऑन ए चिप। इस तरह से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी वेरी लार्ज स्केल इंट्री, अभी हम लोग वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के स्टेट में है। 1964 में आईबीएम कंपनी एक आईबीएम 360 कंप्यूटर बनाया था, इसमें सारे में आईसी चिप्स लगा हुआ था। ये आईसी चिप्स, इसमें ट्रांजिस्टर नहीं है, आईसी चिप्स से कंप्यूटर बनाया है। इस तरह से ये भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, आईबीएम S390। जैसे जैसे कंप्यूटर्स छोटा होते गया और इसका यूटिलिटी बढ़ते गया, इंटरेक्टिवनेस बढ़ते गया, तो बहुत सारा आदमी इसको खरीदने लगा और बहुत सारा जगह में पब्लिक में पहुंचने लगा। तो 1969 में बेल लैब एक यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले आया था जिसका नाम है आईबीएम डॉस, वो अभी का डॉस नहीं है, वो एक्चुअली मेन फ्रेम डॉस हुआ करता था। लेकिन 1969 में जो यूनिक्स बनाया गया था ये पोर्टेबल था, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर्स, किसी भी तरह का कंप्यूटर्स में ये यूज किया जा सकता था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, मतलब यह कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। यूनिक्स बनाया गया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक्चुअली यूनिक्स भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में बहुत सारा डिवाइसेस होता है जैसे सीपीयू, मेमोरी,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एटसेट्रा। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि सारे जितने भी डिवाइसेस है उसको मैनेज और कंट्रोल करे, नहीं तो क्या होगा कि यूजर को बार बार हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा और यूजर से भी इंटरेक्ट करेगा। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। इसको लिखने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जानते हैं कि सारे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था वो बाइनरी कोड में दिया जाता था। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते थे वही देते थे उसको, जिसको कहते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज। और इसके बाद सेकेंड जनरेशन में एक लैंग्वेज आया था जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में एक डेवलपमेंट हुआ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। ये भी बेल लैब में ही डेवलप हुआ था और इसको यूज करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया। जैसे कि यह जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा है। 1970 में रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप बनाया गया इंटेल कंपनी ने और इसका नाम था डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पहले का डायनेमिक DRA मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये अभी का है, अभी हम लोग ये यूज करते हैं। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 1970 में बनाया गया था। उससे पहले डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज नहीं होता था, नहीं बनाया गया था। में एलन सुगर्ट लीड्स टीम ऑफ IBM इंजीनियर्स हु इन्वेंट फ्लॉपी डिस्क अलाउइंग डेटा टू बी शेयर्ड अमंग द कंप्यूटर्स। पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था जिसमें डेटा को स्टोर करते थे और एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते थे, अभी ये ऑब्सोलीट हो गया है। ये है फ्लॉपी डिस्क, ये हो गया फ्लॉपी ड्राइव। इसके बाद इथरनेट केबल का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ये नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। अगर एक जगह से दूसरे जगह में डेटा को ट्रांसफर करना है और कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम लोग कर सकते हैं आइदर बाय फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है कि अगर कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे, लेकिन कंप्यूटर अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो डेटा ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरे जगह में आएगा। तो ये इसके लिए चाहिए इथरनेट केबल। ये हो गया इथरनेट कार्ड, ये हो गया सर्किट उसका और ये हो गया केबल। तो इसके थ्रू डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये 1974 से 1983 के बीच में हुआ था। हम लोग इसको फोर्थ जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर्स मेनली इसका मेन इन्वेंशन है और पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में आया था 1974 से 1977 के बीच में। पॉल एलन एंड बिल गेट्स ऑफर टू राइट सॉफ्टवेयर्स for the using of new basic language। जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स मतलब आदमी पर्सनल यूज करने के लिए लेता है, मार्केट से कब खरीदेगा जब वो अपना यूज कर पाए कंप्यूटर को। तो इसीलिए पॉल एलन एंड बिल गेट्स दोनों मिलके बेसिक लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। बेसिक का मतलब हो गया बिगिनर ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, ये कोई भी यूज कर सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्टार्ट हुआ और बेसिक लैंग्वेज इसके साथ दिया जाता था ताकि कंप्यूटर्स को ज्यादा से ज्यादा आदमी यूज कर पाए। ये है पर्सनल कंप्यूटर्स 1974 से 1977 के बीच में जो बना था। ये है बिल गेट्स और पॉल एलन।
1976 में स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक स्टार्ट कंप्यूटर्स, एप्पल कंप्यूटर्स, द फर्स्ट कंप्यूटर्स विथ ए सिंगल सर्किट बोर्ड। इसके बाद 1978 में एक बीसी कैल्क करके आया था, जो कि स्पेट सिट सॉफ्टवेयर हुआ करता था। ये अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल था। ये एप्पल कंप्यूटर्स, जिसका नाम है लीजा, और ये एक फर्स्ट टाइम एक सिंगल मदरबोर्ड में सारा चिप इनबिल्ट हुआ करता था। इसीलिए द फर्स्ट कंप्यूटर्स विथ अ सिंगल सर्किट बोर्ड, दैट इज इट। इसी समय से मदरबोर्ड का इन्वेंशन, इसी को हम लोग फर्स्ट मदरबोर्ड कह सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आया था, जिसका नाम था वर्ड स्टार। द फर्स्ट IBM पर्सनल कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन August 12, 1981 used the MS-DOS operating system. MS-DOS operating system means Microsoft Disk Operating System. 1981, the first IBM personal computer code named Acron is introduced. It uses Microsoft's MS-DOS operating system. It has an Intel chip, two floppy disk and optional scanner monitors. तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाया पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम पर्सनल कंप्यूटर्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस। इससे पहले पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो पीसी डॉस हुआ करता था वो ऑब्सोलीट हो गया। पीसी डॉस को पहले यूज किया जाता था पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बिल गेट्स इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए और ये ज्यादा कमर्शियल हुआ। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, पहले बाद में हम लोग देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन हुआ था एमएस डॉस में जो कि इतना कमर्शियलाइज हुआ, और ये किए थे बिल गेट्स ने। नाउ फिफ्थ जनरेशंस, ये 1984 से स्टार्ट हुआ है। इसका सबसे पहला जो कंप्यूटर्स है 1984 में मैसिंटोस एप्पल लीजर्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विथ ए GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैसिंटोस सबसे पहला जो है विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो देखते हैं उससे भी पहले आया था एप्पल मैसिंटोस, इसीलिए एप्पल कंपनी इतना पॉपुलर हुआ। इट फीचर्स ए सिंपल ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस, यूजेस 8 MHz 32-bit मोटोरोला 68000 CPU एंड हैज ए बिल्ट इन 9-inch ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, कॉस्ट $2,495। ये बहुत ज्यादा है अगर इसके हिसाब से देखेंगे, अभी डॉलर के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन अगर रुपया के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो 1984 में ये फर्स्ट टाइम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर बना था और ये ज्यादा कमर्शियलाइज हुआ। ये फर्स्ट टाइम ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया जाता है, इसमें माउस भी है, माउस कनेक्टेड है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1985 में अपना विंडोज इन्वेंट किया। उसको विंडोज, वो जो विंडोज थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, वो डॉस के ऊपर ही एक लेयर थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। दिस वाज द कंपनीज रेस्पॉन्स टू एप्पल्स GUI, क्योंकि एप्पल्स उसका एप्पल कंपनी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाए थे मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह से विंडोज भी कोशिश कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी कोशिश कर रहा था अपना बनाने के लिए, लेकिन ये उस समय बना नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम बनने नहीं बना था। उसका जो था हम लोग यूज करते थे विंडो 32, जो कि डॉस के ऊपर ही एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्लेटफॉर्म दिया गया था। 1985 में द फर्स्ट .com डोमेन नेम रजिस्टर्स ऑन March 15। जैसे कि हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो ये एक्चुअली में इसका आया था 1985 में।
इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्पैक, आईबीएम कॉम्पैक जो अभी कंपनी है, पहले इसका नाम होता था कॉम्पैक, एक अलग कंपनी था, ब्रिंग्स डेस्कट्रो 386 टू द मार्केट। ये 32 बिट आर्किटेक्चर का था। 1990 में टीम पेंसली एचटीएमएल लैंग्वेज का डेवलपमेंट किए जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज होता है। 1993 में एक रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर। पहले 286, 386 ये माइक्रोप्रोसेसर यूज किए थे, लेकिन पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया गया था जिससे कंप्यूटर्स और फास्ट होने लगा, जो कि ग्राफिक्स को और म्यूजिक्स को प्रोसेस करने के लिए। ये इंटेल पेंटियम का पिक्चर है। इस तरह से फर्स्ट जनरेशन से अभी तक हम लोग पहुंचे। ऑल कंप्यूटर्स मोर और लेस बेस्ड ऑन द सेम बेसिक डिजाइन, धीरे धीरे छोटा होते गया। अभी हम लोग एक बिल्डिंग साइज का कंप्यूटर से अभी हम लोग एक पाम टॉप में पहुंचे हुए। आगे भी और डेवलपमेंट होने वाला है फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स में, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, क्वांटम फिजिक्स पहले पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, तब इसको समझ में आएगा। एक्चुअली इसका क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है कि सेम मेमोरी स्पेस को अलग अलग टाइम में अलग अलग डेटा के लिए यूज होता है। जैसे आपके पास 10 लोकेशन है और 10 लोकेशन में फर्स्ट टाइम में आप कुछ स्टोर कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम में दूसरा हो जाएगा उसका। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज बहुत है, एप्लीकेशन बहुत सारा है, लेकिन ये अभी रिसर्च फेज में है। क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद सारा कंप्यूटर का डिजाइन चेंज हो जाएगा, हार्डवेयर भी चेंज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर भी चेंज होगा, और ये विद इन 8 ईयर्स में होने का संभावना है। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस सर्टेन एल्जेब्रिक मेथड्स टू डेवलप एल्गोरिदम फॉर कंप्यूटेशंस। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल स्किल भी होना चाहिए। इफ इम्प्लीमेंट विल चेंज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्टिल इन रिसर्च फेज, अभी तक इसका कोई यूज हुआ नहीं है कहीं पे, लेकिन आने वाले 8 ईयर में ये इसका यूज होगा। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में देखे। थर्ड जनरेशन में बहुत वेरी इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ, एप्लीकेशन हुआ। थर्ड जनरेशन में बहुत सारा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि थर्ड जनरेशन में हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। फोर्थ जनरेशन में हम लोग का सबसे बड़ा देन है पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि घर घर में कंप्यूटर पहुंचा। फोर्थ जनरेशन में मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो कि जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ करता था, और इसी तरह से कंप्यूटर और ज्यादा पॉपुलर हुआ। और पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए और बहुत सारा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे इंटरनेट एप्लीकेशन होने लगा, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होने लगा। ये फोर्थ जनरेशन में धीरे धीरे ये इसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए कंप्यूटर्स को धीरे धीरे छोटा होते गया, और बहुत सारा हार्डवेयर का भी डेवलपमेंट हुआ। फ्यूचर जनरेशन में हम लोग देखेंगे, फ्यूचर जनरेशन में ज्यादातर कंप्यूटर्स अलग टेक्नोलॉजी से काम करेगा, जो कि क्लासिकल टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग अभी वंस और जीरोस में काम करते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो चेंज हो जाए। हम लोग एक अभी बिट कहते हैं, तो वो बिट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एक वोल्टेज होता है 5 वोल्ट का मतलब हाई वोल्टेज मतलब 1, और 0.3 वोल्ट होता है 0। और इस तरह से फ्यूचर जनरेशन में ये क्लासिकल टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा चेंजेस होगा, जैसे कि
क्वांटम कंप्यूटिंग, मोलिकुलर मोलिकुलर इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑर्गेनिक कंप्यूटिंग, ये सारे जो है ये धीरे धीरे सारे कंप्यूटर सिस्टम को और एप्लीकेशंस को चेंज करेगा। तो इसके साथ ये लेक्चर्स खत्म हुआ। थैंक यू।